अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं हयाम को, आज जो है ना वो कोरोना लगना है, वैक्सीनेशन है, जो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना होता है उसके लिए, क्योंकि हयाम 3 साल से छोटी है तो हयाम को ये लगनी बहुत ज़रूरी है, वरना हयाम ट्रैवल नहीं कर सकती। तो बाकी ये है कि इसी वीक में हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है, छोटे मोटे जो ज़रूरी काम हैं, जो चीज़ें हैं वो करनी है। अबू भी आज वापस डेनमार्क चले गए हैं, तो अभी ना नैना और मैं हयाम को लेके निकले हैं। अभी हयाम का डॉक्टर चेकअप भी है, कुछ इसके टेस्ट वगैरह भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बड़ा मुश्किल से, क्योंकि हुसैन को नहीं लगनी, क्योंकि हुसैन 6 साल से ऊपर है, 3 साल से ऊपर बच्चों को मस्त लगती है, तो हयाम को लगनी है। तो हमें ना एमरजेंसी बेसिस पर भी अपॉइंटमेंट मिल गई थी, तभी जरा सानस जाना है। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, और बादल देखते हैं, इतनी तेज़ हवा है, चला भी नहीं जा रहा। तो चलते हैं हयाम को वैक्सीन लगवाते हैं, और जो जो आज की रूटीन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे ना हयाम का सारा जो है ना वो पेपर आ गया। पाकिस्तान जाने पे भी बहुत सख्ती है जो यहाँ के बच्चे हैं। अब बहुत सारी वैक्सीनेशन है, हाँ वो मच्छरदानी वैक्सीन लगा रहे हैं, कभी मच्छर काटने वाली, एक के अगर मानो काट ले या डोगी काट ले उसकी वैक्सीन लगाने लगे हैं, तीसरी इसको वैक्सीन लगवाने लगा कि उधर की आबू हवा से और पानी से बची रहे। मानो आपको पता है कुछ, पता है लग जाता है आपको। हयाम फातिमा को तो जी वैक्सीनेशन लग गई है, और अभी हम आए हुए थे दरअसल इस साइड पे हुसैन का हॉस्पिटल है, और सामने जो है ना कोलंबस है। देखिए अभी ना आस्किना की भी तबीयत ठीक, अभी हमने हुसैन को लेके दोबारा वापस आना है, क्योंकि हुसैन की उन्होंने ना एमरजेंसी में अपॉइंटमेंट अभी खुद ही दे दी। मौसम आज बहुत ही प्यारा है। हाँ, मैं इसको जो 10 मिनट बिठाती है ना, 5 मिनट गुजरे तो मतलब 5 मिनट पहले फोन कर दूंगी, ताकि तो 5-10 मिनट लगे तो कैबिन पे आने को टाइम लगेगा। अब जो है ना वो बारी आ गई है हुसैन की, हुसैन को वैसे ही मच्छर काटा हुआ, हुसैन की डेंगू की भी वैक्सीन वगैरह होनी है। तो अभी बस ना हम लोग जाएंगे, हुसैन को वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद जो है ना वकूना, इसमें वो एनिमल्स की वकूना है, हवा पानी का, और तीसरी डेंगू की, ये सारी वैक्सीन हैं। एक डोज अब लगनी है, एक लगनी है कुछ दिन बाद, 1 वीक जाने से कुछ, 1-2 दिन पहले। तो बाकी है कि अभी जाके ना, अभी हम निकले हैं घर से, चलते हैं हुसैन को वैक्सीन लग। अभी हम लोग ना बस अभी हुसैन की वैक्सीनेशन का वेट कर रहे हैं, अभी बारी नहीं आई है, हुसैन बैठा यहाँ पे खेल रहा है। अच्छा ब्लॉक से खेले, इतनी देर अभी इसे पता नहीं है यहाँ ये इंजेक्शन लगवाने आया है, इसका तो एमरजेंसी में शुक्र है सीता मिल गया था। चलिए जी हुसैन थोड़ी देर खेलता है, फिर इंजेक्शन लगवाते हैं और घर चलते हैं। चले जी, आज तो बहुत हेक्टिक डे गुजरा, सारा दिन रात तक डॉक्टर्स पर गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो गए थे। फिश आई थी मैंने धोई है मैरिनेट की, मैंने कहा आपको बताती हूँ, और अम्मी ने बनाई थी रात को ना ये चने की दाल का पंजीरी कह लें या हलवा कह लें, बताती हूँ कैसे बनाई। अब तो खैर संभाल ली है, थोड़ी सी पड़ी है रेसिपी रिकॉर्ड करना, कल काम इतने थे मैं भूल गई थी, ये बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पछतावा है क्यों नहीं रिकॉर्ड की। बड़ी फिश मैंने धोई थी, इसके अंदर मैंने नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, काफ़ी सारा अदरक लहसुन का पेस्ट चॉप करके डाला, वैसे मैंने पेस्ट नहीं डाला चॉप करके डाला, और लेमन जूस। बस सिंपल चीज़ें, इसे मैंने मैरिनेट करना है, और ये फिलेट्स बने हुए 8 फिलेट्स हैं, बस 4 पैकेट बना कर रखूँगी, क्योंकि हमारे घर में ना नैना और मैं और हम सब फिश कम खाते हैं, अम्मी अबू और शान शौक से खाते हैं, तो बस इसके फिलेट्स के 4-5 पैकेट बना कर रख दूँगी। और ये अम्मी ने ना चने की जो दाल है ना उसकी पंजीरी बनाई थी अबू और नैना के लिए। बनाई कैसे है सिंपल सब बता देती हूँ ना, 1 मिनट अभी बंद करूँ। अच्छा जी, बनाई ऐसे है कि जी अम्मी ने ना चने की दाल जो है ना वो 1 किलो दाल थी और 2 लीटर दूध में भिगो के रात को रख दी थी। सुबह उठ के दाल काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, हमने पहले उसको ग्राइंड किया जग में, वो पेस्ट बन गया, फिर उसके लड्डू से बना के ना चम्मच से, जैसे हम भल्ले फ्राई करते हैं वैसे वो दाल के ना लड्डू भल्ले टाइप बना के हमने फ्राई किए, फिर उन्हें हम लोगों ने कूटा, फिर सूजी अलहदा से देसी घी में भुनी, देसी घी में ही लड्डू फ्राई किए,
और फिर सारे ड्राई फ्रूट अम्मी ने ना देसी घी में रोस्ट किए, फिर उनको हमने चॉप किया जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर जी सूजी को प्रॉपर भुना देसी घी में, उसमें चीनी डाली, उसमें कोकोनट पाउडर डाला, सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, फिर चने की दाल के लड्डू थे ना उसको और सूजी का जितना मटेरियल था उसे अच्छी तरह मिक्स किया। आप बिलीव नहीं करेंगे आज तक की जितनी पंजीरियाँ जितने हलवे खाए हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट ये बनी है। बहुत अच्छा टेस्ट है, मुँह से उतर ही नहीं रहा। और बस अभी फिश मैरिनेट करूंगी, ये थोड़ी सी रह गई, दो तो बॉक्सेस में डाल के रखी, एक बड़ा बॉक्स अब्बू को साथ बना दिया था, तो अभी जो है इसको भी संभाल लेंगे, इसको भी संभाल लेंगे, फिर आज की सारी डिटेल आपको दूंगी। उसे आन को छोड़ते ही ना स्कूल आते ही उठाना है मैं उसकी, सबसे पहले डॉक्टर पे लेके जाऊंगी। चलें जी, यहाँ पे जो है ना हमारी बन रही है फ्रूट चाट। हम लोग लाए थे पाइनएप्पल का टेंट, फिर मैंने लाई तो कॉकटेल समझ के थी, निकला पाइनएप्पल का। नहीं मैं पाइनएप्पल ही लाई था। हाँ बहुत कह रहे थे कॉकटेल, नहीं उस कॉकटेल में सिर्फ पाइनएप्पल, उसमें मजे की नहीं होता, वो आलू मजे की नहीं होते। भी दो ना डालने, अच्छा जी। यहाँ पे ना हम लोगों ने सेब, नाशपाती, केले, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कुछ किशमिश ये डाल के थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई है, क्योंकि हल्की हल्की सी ना भूख लग गई। आते ही इतनी जल्दी में खाना खाया था ना कि शायद पेट नहीं भरा या खाने का पता नहीं चला। फिश मैंने संभाल दी है, पंजीरी मैंने संभाल दी है, फ्रूट चाट बना के अभी हम खा लेंगे। अंदर पड़ी है टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर डब्बा पड़ा है। और जी हमारे पैकिंग के ना कुछ ये हालात हैं अभी भी। कितने अम्मी हमारे बैग बन गए हैं? हमारे बैग बन गए छः, हमारे बैग बन चुके हैं। सातवां ये बैग हमने बनाना है और एक या दो हैंड कैरी बने हैं, क्योंकि सामान अभी ना बहुत ही ना होता जा रहा है, ज़्यादा इंक्रीज। बाकी कुछ कपड़े वो पड़े हैं, बाकी कुछ सामान ये रह गया जो लिक्विड और चीज़ें जो आखिरी में हमने करनी है। आज बच्चों की वजह से ना हम लोग कुछ भी नहीं जो है ना कर ही नहीं सके, सारा दिन बच्चों के साथ गुजर गया। और अभी ना अच्छा नैना इसमें डाल गई है, खजूरें नहीं अभी लाई, खजूरें भी इसमें डालते हैं, फिर फ्रूट चाट बना के खाएंगे। चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। आज का दिन खैर खैरियत से गुजर गया। असल में स्कीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, उसे डॉक्टर पे लेके भी गए थे, उसकी डॉक्टर नहीं मिली, तो उन्होंने कहा जी आप एमरजेंसी लीजिए, एमरजेंसी तारागोना के पास है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे गए नहीं। अब सुबह की फिर 9 बजे की अपॉइंटमेंट स्कीना की, स्कीना को लेके जाना, उसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, हयाम का बुखार बेहतर था। तो आज जो थी ना बेसिकली अपॉइंटमेंट थी हयाम की, हुसैन का, उन्होंने कहा था कि आपको अपॉइंटमेंट वो हमें दे रहे थे जुलाई की, तो जुलाई के तो बहुत लेट था क्योंकि वैक्सीन की ना अपॉइंटमेंट ही नहीं यहाँ मिलती। फिर हमने प्राइवेट कोशिश की, प्राइवेट भी कि हम पे करके लगवा लेंगे, वैसे तो यहाँ पर बच्चों का मेडिकल या बड़ों का मेडिकल ऑलमोस्ट फ्री है, कुछ ही पैसे देने पड़ते हैं। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल 50 यूरो की दवाई है तो 5-6 यूरो देने पड़ेंगे। सब मेडिसन्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, कोई डॉक्टर फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और डॉक्टर खुद आते हैं, खुद लेके जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ, बहुत ही सिक्योर मेडिकल सिस्टम है, ये यहाँ पे तसल्ली बहुत है। तो बहरहाल ये हुआ कि जब हमने जाके ना हयाम की तो हमने एमरजेंसी शो करके अपॉइंटमेंट ले ली, तो फिर ये था कि जब जा गए हम वहाँ में और नैना, तो फिर हमने उनसे बात की कि इस तरह हुसैन है तो हमने उसको भी लगवानी है, ये दोनों बहन भाई हैं, उन्होंने इकट्ठे जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर तो आप ये कर सकते हैं ना कि आप अभी ही हुसैन को विद इन 1 आवर लेके आते हैं, तो घंटे के अंदर अंदर हम हुसैन को भी एक डोज लगा देंगे। क्योंकि हमारी बेसिकली जो फ़्लाइट है ना वो फ़िलहाल 25 की हमने करवाई हुई है, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं इनकी वकूनास की वजह से। हुआ ये कि जब वकूना लगवाने के लिए गए तो बेसिक तो वकूना लगनी थी कि जो हवा और पानी का होता है, कि बच्चों को इन्वायरमेंट हवा पानी सूट करे, वो इफ़ेक्ट ना करे। तो जब उन्हें पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है, तो फिर उसमें 2 और वकूनास ऐड हुए। वो ये हुआ कि एक तो जानवरों के काटने का और एक मच्छर के काटने का, डेंगू का, ये कुत्ता बिल्ली को इस तरह का जो है, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी कुत्ते भी साफ ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं, यहाँ तो जो कुत्ते हैं ना वो सब पेट्स हैं। फिर कुत्तों को यहाँ वैक्सीन लगी हुई है कि अगर वैसे तो ये कुत्ते काटते ही नहीं हैं, अगर ये काटेंगे तो इंसान को कुछ नहीं होता क्योंकि कुत्तों को वैक्सीन यहाँ लगे। तो कुत्ते यहाँ के बड़े जो है ना वो फ्रेंडली और बड़े सेफ हैं, पाकिस्तानी ओबियसली स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनका एतबार कोई नहीं है। तो लास्ट टाइम भी जब हुसैन पाकिस्तान गया था, हमारे सामने वालों का एक कुत्ता था तो वो हुसैन को पड़ गया। तो बड़े अम्मी थी, कोमल थी, जफ़र थे, हमारी काम वाली 2 बच्चियाँ थी, हेल्पर्स थी, वो थी। तो बाल बच बचा हो गया था कि हम बच गए, सारे आगे आके खड़े हुए और शोर एकदम चीखें मारी ना, तो वो कुत्ता ही डर गया और वो भाग गया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, आप लगाएं। तीसरा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मच्छर है और डेंगू की वैक्सीन भी लगनी है इन्हें,
और वकूना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ के मतलब रेजिडेंट्स कह लें, नेशनल कह लें, जो बाई बर्थ इधर के हैं, उन बच्चों को ये अपने बच्चे कहते हैं कि जी हमारे बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये बच्चे तो ऐसे नहीं जाएंगे जब तक वैक्सीन इनकी कंप्लीट नहीं हो जाती। वैक्सीन इनकी कंप्लीट थी, वकूनास जो थे बहर जी, वो इन दोनों बहन भाइयों पर ये हुआ कि हमने पहले हयाम को लगवाई, हयाम को घर छोड़ के गए, क्योंकि आज अब्बू नहीं थे, अब्बू कल के वापस चले गए, अब्बू होते तो अब्बू ने हुसैन को हॉस्पिटल ले आया, फिर आए, फिर कैबिफाई ली, फिर हम वापस गए, क्योंकि यहाँ ये भी बड़ा मसला है, अभी लाइसेंस नहीं है तो गाड़ियों का बड़ा प्रॉब्लम, विदाउट लाइसेंस गाड़ी नहीं चला सकते। बहरहाल जी फिर हॉस्पिटल गए, फिर हुसैन को लगी, तो अब जो है ना 24 की इनकी अपॉइंटमेंट मिली है, हमें दोबारा 24 को अब डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनके वकूनास लग गए हैं, एनवायरमेंटल भी और फिर पानी वाले भी और सेकंड एनिमल्स वाले भी। मॉस्किटोज़ का एक आज लगा है, लेकिन उसकी 3 डोजेज हैं। अब यह है कि 25 की हमारी फ़्लाइट है, तो लेकिन 24 की अपॉइंटमेंट है। अब उनसे हमने वैसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा करें कि 24 को ही हमें जो है ना वैक्सीन लगवा दे थर्ड डोज में, उन्होंने 3 मंथ्स का कहा है टाइम है, लेकिन वो कहते थे कि हम कोई फेवर देखते हैं कि अगर कोई मिक्स एंड मैच कोई फेवर आपके लिए निकले, तो ये तो अब 24 को पता चलेगा कि हम 25 को पाकिस्तान चले जाएंगे क्योंकि हमारी सीट्स कन्फर्म है, या हमें 2-4 दिन बच्चों के वकूनास की वजह से ऊपर नीचे करने पड़ेंगे क्योंकि उसके बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते। वह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 24 को सॉर्ट आउट हो जाएगा, और 25 की हमारी फ़्लाइट है, तो तैयारी आपको मैंने दिखाई है ऑलरेडी। लेकिन ये है कि हमारी बस ये जो अब मैंने टेबल पे आपको कपड़े और चीज़ें दिखाई थी, 6 बैग बन चुके हैं, 7वां हमने बुकिंग का और बनाना है। हैंड कैरी 2 बनाएंगे, एक तो कोशिश करेंगे बुक हो जाए एक बैग पैक या मतलब हैंड कैरी या कुछ, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है, एक तो अपना चारों का हमारा बहुत है, दूसरा ये है कि फिर गिफ्ट्स वगैरह काफ़ी सारे हो गए हैं कुछ, फिर ये है कि हुसैन हर चीज़ नहीं खाता, अम्मी हर चीज़ नहीं खाती, अम्मी को सूट नहीं करती, फिर खाने पीने का या इनकी सारी चीज़ों का बहुत सामान है, फिर बच्चों की मेडिसिंस और अम्मी की मेडिसिंस, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जो हमने लेके जानी है। हालांकि कपड़े वगैरह हम कुछ अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे कि वहीं से जाके ले लेंगे, जो बस अभी नए नए सब आए थे वही रखे हैं। तो बट आप सब दुआ कीजिएगा, डेट मैंने आपको बता दिया कि 25 को इंशाल्लाह हम लोगों ने निकलना है, अगर इनके वकूनास वगैरह 24 को कंप्लीट हुए, वरना 2-4 दिन ऊपर नीचे होंगे, लेकिन इसी मंथ में जो है ना पाकिस्तान इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। तो आप सब दुआ कीजिएगा, आज का दिन इंतहाई थकावट वाला था, बच्चों की वजह से भी एक ये वकूना बहुत हार्ड थे, दोनों बच्चे बस बेचारे आज रोते धोते ही रहे हैं, सो गए हैं अब तो, सकीना को सुबह लेके जाएंगे। बस आप सब हमारे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, गिव अवे पाकिस्तान जाके अनाउंस होगा और बहुत बड़े 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 सरप्राइजेज आपको हम देंगे इंशाल्लाह। और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 100K हो जाए। अब मैं थकी हुई इतनी थी कि और ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा आपको सारी डिटेल दे दूं, वहां जहां वो कुन्ना लगवाने गए थे वहां मुझे मेरी सब्सक्राइबर भी मिली, वो भी अपने बच्चों को लगवानी आई हुई थी, वो कश्मीर की थी, वो भी पाकिस्तान जा रही थी। बाकी सबका सफर खैरियत से हो, जो सबके हक में बेहतर है वही और हमारे लिए भी हो इंशाल्लाह। तो आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। आजकल असल में कल भी व्लॉग नहीं लगा सकी थी, आजकल बस पैकिंग तैयारी, 4 दिन हमारे पिछले, एक घर में पांव था एक बाहर था, एक घर में पांव था एक बाहर था, खाने पीने का सामान चीजें हमने अब्बू के होने का फायदा उठाया, क्योंकि अब्बू और अम्मी फिर बच्चों तीनों को मैनेज कर लेते हैं, नैना ने और मैंने सारी शॉपिंग, सारा खाना पीना लेना देना। लेकिन अभी भी मेरे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी काम जो है वो 2-4 रहते हैं, वो आगे चल के फिर आपसे नेक्स्ट वीडियोज में शेयर करेंगे हम लोगों ने, क्योंकि अपनी तैयारी 2 दिन में कंप्लीट करने के लास्ट डेज में ना हेक्टिक ना हो बहुत ज्यादा ना थकावट होगी है। आज तो मेरा दिल करता था मैं पाओं को सीढ़ के चल रही थी कि मुझे एक कदम चलना ना पड़े, इतना थक गए। तो बड़ी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर सुख रखे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हम सबको याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।